क्वाड समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस अहम समिट के दौरान एक तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए। अब इस तस्वीर की चर्चा क्यों हो रही है वो भी जान लीजिए। दरअसल पीएम मोदी अमेरिका दौरे के पहले दिन शनिवार को राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर पहुंचे। यहां पर वो रात को 1:30 पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। बैठक के बाद बारी थी क्वाड लीडर्स के फोटोशूट की। क्वाड लीडर्स का फोटोशूट चल ही रहा था कि इस बीच बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद संगठन के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर बाइडेन ने बड़े ही भरोसे के साथ पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। दरअसल क्वाड के अस्तित्व को लेकर संशय जताया गया कि क्या क्वाड जैसा संगठन अमेरिकी चुनाव, जो कि 5 नवंबर को होने वाले हैं, उसके बाद भी जारी रहेगा। इस सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने भरोसा जताया, पीएम मोदी के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि ये संगठन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी ऐसी ही जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन का इस तरह पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर जवाब देना बड़ा संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए कई मोर्चों पर भारत काफी अहम है। इतना ही नहीं, समिट के दौरान पीएम मोदी ने भी कहा कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी हुई है, ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और तमाम मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। क्वाड समिट के बाद चारों नेताओं ने कैंसर मून शॉट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक देशों को 4 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की। समिट से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से डेलावेयर के आवास पर मुलाकात की। बाइडेन ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी के अमेरिका पहुंचने से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तान समर्थकों की मेजबानी की। अमेरिकी सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सिख एक्टिविस्ट को दूसरे देशों के दमन से बचाएंगे। एक बार शॉर्ट में ये भी जान लेते हैं कि एक क्वाड आखिर है क्या। दरअसल क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है, जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड समिट इस साल भारत में होना था, पर अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे होस्ट करने का मौका इस साल बाइडेन को दे दिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।